हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है प्रीवियस ईयर आरआरबी एलएलबी जो क्वेश्चन है, पेपर है, मतलब जूनियर इंजीनियर और एएलपी का जो इलेक्ट्रिकल का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओहम एंड 6 ओहम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब यहाँ पे आपका 3 ओहम रेजिस्टेंस है और 6 ओहम रेजिस्टेंस है, वो क्या क्या हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया, तो आपका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखिए, आपका सीरीज में जो कनेक्ट किया तो सीरीज में एक जो फार्मूला है रिजल्टेंट जो आर जो रिजल्टेंट है तो उसका फार्मूला क्या है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला है आर रिजल्टेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पे क्या है, 3 ओम एंड 6 ओम है, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 6 ओम, तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को 9 ओम मिल गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है 16 ओम, 2 ओम, 12 ओम है, 9 ओम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 9 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो 1 मिनट, हाउ मच चार्ज फ्लो इन दिस टाइम। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, 3 एम्पियर 1 मिनट से आपका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो होगा मतलब क्यू, क्यू का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में ए है देखिए 60 कूलम, ऑप्शन बी में क्या है 30, ऑप्शन सी में क्या है देखिए 90 कूलम, ऑप्शन डी में क्या है 180 कूलम। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो क्यू का वैल्यू क्या है, हम लोगों को पता क्या है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। आई क्या इक्वल टू क्या है, करंट, एंड टी इक्वल टू है टाइम। तो यहाँ पे करंट है 3 एंड टाइमिंग क्या है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 3 इंटू 60, तो हम लोग को क्या मिल गया 180। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 180 कूलम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर एएलपी का जो क्वेश्चन है उसके लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट क्या है, उसके लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन क्या है, ए क्या है आयोडीन, ऑप्शन बी क्या है क्लोरीन, ऑप्शन सी क्या है ब्रोमीन, ऑप्शन डी क्या है फ्लोरीन। तो हम लोग को जो पीरियडिक टेबल उसको हम लोग को देखना है। पीरियडिक टेबल में हम लोग को देखिए अपर से लोअर तक हम लोग को क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ऐसा है। तो हम लोग को जो टॉप में है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो यहाँ पे हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे तो फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, हाई है। तो इन लोगों को राइट आंसर क्या होगा, फ्लोरीन, ऑप्शन डी क्या होगा, फ्लोरीन राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पावर प्लांट वेयर हीट रिक्वायर्ड टू मेक द स्टीम टर्बाइन्स टू मेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्टेन द बर्निंग फ्यूल्स इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो फ्यूल है, फ्यूल क्या हो रहा है, आपका बर्न हो रहा है, तो वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो उसको हम लोग को क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऑप्शन बी में क्या है थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन सी में क्या है सोलर पावर प्लांट, ऑप्शन डी में देखिए तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो हम लोग को जब फ्यूल को हम लोग यूटिलाइज करेंगे उससे हम लोग को जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो उसको हम लोग को क्या बोलना है, उसको हम लोग को थर्मल प्लांट बोलना है, तो इसको हम लोग को थर्मल प्लांट बोलना है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, आपके लिए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द करंट, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम इज नोन एज। मतलब आपका कुछ इलेक्ट्रिकल का कुछ एटम है उसमें आपको देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम है, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हम लोग को ऐसे लिखा हुआ 282। तो मतलब यहाँ पे जो सम है ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है, तो उसको हम लोग क्या बोलना है। ऑप्शन ए में क्या है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी में क्या है ग्रॉस नंबर, ऑप्शन सी में एवोगाड्रो नंबर, ऑप्शन डी में क्या है मास नंबर। तो हम लोग को जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब सम करेंगे उसको हम लोग को क्या बोलना है, उसको हम लोग को मास नंबर बोलना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, आपके लिए राइट आंसर होगा। तो हम लोग को चैनल जो जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब किए और बेल आइकन आप प्रेस कीजिए, तो हम लोग जब वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज, इट्स वेव लेंथ ऑफ 4 मीटर। तो द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज, मतलब हम लोग को एक वेव लेंथ है उसका क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो उसका जो वेव लेंथ है मतलब लैम्डा है वो क्या है, आपका लैम्डा क्या है, आपका 4 मीटर है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, आपका स्पीड निकालना है, मतलब भी आपको निकालना है। तो हम लोगों को जो फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, भी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, यहाँ पे एन क्या है 50, और यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेव लेंथ क्या है आपका 4, मतलब आपका 200 क्या है मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए 200, ऑप्शन बी क्या है 880, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 100 मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है 200 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए आपके लिए राइट आंसर होगा। तो हम लोग जो चैनल है जो जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, तो हमारा जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 4-1 ohm resistor आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 4 ohm resistance है हम लोग क्या क्या हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया, ऐसा कनेक्ट किया, तो हम लोग को रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4 करके हम लोग को लिखना है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 4 ohm, 1/4 ohm, 8 ohm, 1 ohm। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 4 ohm resistance है मतलब 4 जो resistance है 1 ohm का हम लोग क्या क्या हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज में जो फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब सिर्फ साम करना है। तो हम लोग 1 1 1 करके जब साम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को 4 ohm मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 ohm होगा। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो ALP का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसके लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब हम लोगों को रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो जो हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो आप लोगों को रेट ऑफ वर्क डन के बारे में हम लोग को पूछा। तो उसका ऑप्शन में क्या है, पावर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, वर्क है। तो हम लोग को क्या पता है जो आपका वर्क डन का जो रेट है उसको हम लोग को हमेशा क्या बोलना है, पावर बोलना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है पावर, तो आप लोगों को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज यूज टू सर्किट टू रिड्यूस द करंट। मतलब यहाँ पे क्या है आपका हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दैट इज यूज टू द सर्किट टू रिड्यूस द करंट, आपका जो करंट है करंट को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना है। तो ऑप्शन ए है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का भी नहीं होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर का इसका काम नहीं है, रेजिस्टर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, सेमीकंडक्टर भी नहीं होगा, कंडक्टर में तो करंट फ्लो होगा तो उसको वैल्यू जो है रिड्यूस नहीं होगा। तो हम लोग को जो ऑप्शन है बी रेजिस्टर आपके लिए राइट आंसर होगा। तो रेजिस्टर में काम क्या है, आपका जो करंट फ्लो होगा उसको रिड्यूस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ SI, मतलब SI सिंबल में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी क्या है आपका सोडियम, ऑप्शन बी क्या है सल्फर, ऑप्शन डी क्या है सिल्वर। तो हम लोग सिलिकॉन मतलब SI को हम लोग SI जो सिंबल है उसको हम लोग को सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए आपका राइट आंसर क्या होगा, SI सिंबल मीन्स था सिलिकॉन। तो हम लोग को जो चैनल है जो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।